गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कैप्टन मिलर मूवी के रिव्यू का। ये मूवी हमको कैसी लगी आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई लोग, अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है तो सिर्फ ये मूवी आप ही के लिए बनी हुई है, क्योंकि उस मूवी का ड्यूरेशन है 2.5 घंटे और इस मूवी में 1.5 घंटे तक सिर्फ मारपीट ही चलता रहेगा। क्योंकि अगर आपको एक्शन मूवी देखना पसंद है तो इस मूवी का जो राइट्स है वो गोल्ड माइंस के पास है और इस मूवी को ओटीटी पर कम से कम 5-6 महीने बाद रिलीज किया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड माइंस का रिकॉर्ड है वो अपने मूवी को 5-6 महीने बाद ही रिलीज करता है और डिले पर डिले कर देता है। लेकिन क्या बताएं यार, जिस तरह से इस मूवी का ट्रेलर काटा गया था म्यूजिक के साथ, वो यार इस मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये मूवी 2 घंटे 40 मिनट का है, तो ये मूवी को आपको लग सकता है कि ये मूवी का इंटरवल कब आएगा, और जब इंटरवल आ जाएगा तो आपको लगेगा कि ये मूवी कब खत्म होगी। और ये मूवी आपको खिंची खिंची सी लग सकती है और कहीं कहीं पे वो बोरिंग फील होने लगता है। अगर बात किया जाए धनुष की एक्टिंग का, तो यार ये लाजवाब है। उसके जिस तरह से शेड्स दिखाए गए हैं वो आपको कसम से देखकर मजा ही आ जाएगा। और इस मूवी को भी वही समय पे बनाया गया जिस समय अंग्रेज लोग इंडिया में आकर राज किया करते थे। ये मूवी की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो अपने दर्दनाक बैक स्टोरी की वजह से रिबेलियन बन जाता है और फिर वहाँ के अंग्रेजों और शासकों से लड़ने के लिए उतारू हो जाता है। साथ में इस मूवी में ऊंची जात नीची जात पर भी फोकस किया गया है, जिस टॉपिक पर कई ऑलरेडी मूवी और वेब सीरीज बन चुकी है। जो मेन कैरेक्टर है ईसा, वो आपको कैप्टन मिलर क्यों बनता है इस मूवी में दिखाया जाएगा। लेकिन इस मूवी की स्टोरी हेयर से देयर होती रहती है। कभी आपको लगेगा कि जो मेन कैरेक्टर इसका कैप्टन मिलर है उसी पर पूरा मूवी बनाया गया है। कभी आपको लगेगा कि आदिवासी जनजाति समूह के मतभेद के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। फिर आपको लगेगा कि ये मूवी सिर्फ रिवेंज के लिए बनाई गई है। और कभी मूवी की स्टोरी ऐसी लगी गई जैसे मंदिर और भगवान पर है। मिला जुला कर ये मूवी आपको समझने में ही टाइम ले लेता है और ये मूवी पूरी खिचड़ी हो जाती है और आपके समझ से बाहर भी। तो बात ऐसा है गाइस कि मैं इस मूवी को दूंगा 3 स्टार। और आपको ये मूवी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।